इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तो वही बताएंगे जो बता रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ अपना अपनी कमियों को दूसरे पर डालने के लिए किया गया। अभी कोई कहते हैं खड्डे बहुत हो रहे, ये तो 70 साल खड्डे हैं जी। हरियाणा की भाजपा जाजपा सरकार हरियाणा के अन्य हिस्सों में कहीं जल से जुलूस नहीं कर सकती, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं कर सकती, अपने हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते। नमस्कार साथियों, इलाके के अंदर जहां आप और हम बैठे हैं, जिसको दक्षिण हरियाणा कह सकते हैं, बहिरवाल का इलाका कह सकते हैं, और जहां मुख्य रूप से किसान भाई जो है, जो छोटे ज़मीन होल्डर हैं, केवल खेती पर निर्भर करते हैं और खेती से ही उनका जीवन यापन, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहन बेटी की शादी, बात शिक्षक, जो भी सामाजिक कार्य होता है, खेती पर ही निर्भर है। यहाँ पर उद्योग धंधे नहीं है और बहुत ज़्यादा रोजगार में भी हमारा साझा नहीं है, और ऊपर से परमात्मा की क्या कहे, जो ऐसा हालात चल रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर के अंदर भी हमारी खड़ी फसल के अंदर नुकसान हुआ बारिश की वजह से, मानसून लेट तक चला, और अब जब बाजरे की फसल जैसी भी किसान भाइयों की आई तैयार होकर के, और हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे यहाँ के छोटे किसान कि सरकार ने जो MSP डिक्लेयर की है 2,250 रुपये, उस पर सरकार हर वर्ष की भांति बाजरे की फसल भी खरीदेगी। लेकिन हमें बड़ा अफसोस और दुख हुआ है जान करके कि हरियाणा की भाजपा और जजपा सरकार ने ये फैसला लिया कि अब की बार हम बाजरे की सरकार की तरफ से खरीद नहीं करेंगे, बल्कि ये कहा है कि हमने कोई 52 स्कीम के माध्यम से 600 रुपये किसान को, जिन्होंने पोर्टल पर दर्ज कराया है, उन किसान भाइयों के खाते में दिया जाएगा। अब आज बाजार के अंदर बाजरे का भाव 1100-1200 रुपये का भाव है, और मान लीजिए उन लोगों की मान भी लेते हैं 600 रुपये वाली बात भी, तो भी लगभग 450-500 रुपये का हर किसान को घर में नुकसान है। दूसरा, हर किसान उस पोर्टल पर दर्ज नहीं करा सकता, तो सरकार को बड़ा दिल रख करके ये चाहिए था कि तुरंत प्रभाव से इस इलाके के किसानों की हालत को देखते हुए सरकार MSP के ऊपर तमाम बाजरा खरीदे, और ये कोई बहानेबाजी ना करे कि दूसरे प्रदेशों से, पड़ोसी इलाके से बाजरा आ जाएगा। ये तो हर बार की समस्या हर फसल के ऊपर है, खराब आने वाले समय में सरसों भी नहीं लेंगे, दूसरी गेहूं भी नहीं लेंगे, क्या आप कहेंगे साहब, तो बॉर्डर्स के इलाके, हरियाणा का तो हर जिला दूसरे बॉर्डर से मिला हुआ है, दूसरे प्रदेश से। इसी कड़ी के अंदर हम सब साथियों ने फैसला किया है बैठ करके कि आने वाली 8 तारीख को शुक्रवार को नारनौल के लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरेट के अंदर प्रातः 11 बजे हम सब लोग वहाँ बैठ कर धरना दिया जाएगा, और धरने के माध्यम से हम सरकार को ये मजबूर करना चाहते हैं कि जिस तरह से उत्तरी हरियाणा का, पश्चिमी हरियाणा का, दूसरे हरियाणा का जो इलाका जहाँ धान पैदा होता है, सरकार ने दबाव मान करके और दबाव में आकर के धान की खरीद का जो आनंद फानंद में फैसला किया, तो हमने इस इलाके के लोगों ने क्या पाप किया है, हमारे साथ ये अन्याय क्यों, इसके लिए ये आवश्यक बैठक 8 तारीख को नारनौल के लघु सचिवालय में हमने रखी है, और हमने इलाके के किसान भाइयों से, तमाम सामाजिक राजनीतिक सब संगठनों को निवेदन किया है कि आप सब आकर के इसमें अपना विरोध दर्ज करें, ताकि सरकार तक ये भावना पहुँचे कि इस इलाके के अंदर भी लोगों में नाराजगी है। आज हरियाणा की भाजपा जाजपा सरकार हरियाणा के अन्य हिस्सों में कहीं जल से जुलूस नहीं कर सकती, कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं कर सकती, अपने हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी वो इस इलाके के अंदर आते हैं, झंडा नहीं फहरा सकते 26 जनवरी 15 अगस्त का, पानी के ऊपर भी कोई रैली करनी है तो भी आप इस इलाके में ही करना चाहते हो, तो फिर इस इलाके ने क्या पाप किया है कि आपने इस इलाके का जो हमारी फसल थी बाजरे की, उसको खरीदने से क्यों वंचित किया, क्या हमें कमज़ोर समझ करके, इस इलाके के भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, कमज़ोर लोग मानते हैं। अभी जिस तरह से हाल ही में एक वीडियो जारी हुआ, जिसे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कार्यकर्ताओं से कि 500-700 हज़ार लठेत पैदा करो, लेकर के आओ, इकट्ठे हो, दक्षिण हरियाणा में तो जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो मान लिया हमारे को। तो अगर आप मानते हो, और हम ये कहते हैं कि अगर आज हरियाणा में जो सरकार बनी हुई है, ये सरकार केवल और केवल इस इलाके की वजह से बनी हुई है, साउथ हरियाणा की वजह से, वरना उन लोगों ने तो रिजेक्ट कर दिया था। आज भी कांग्रेस की लगभग 35 सीटें हमारी है, तो अगर इस इलाका साथ नहीं देता, कांग्रेस का साथ देता, तो आज कांग्रेस का बनना चाहिए था। लेकिन हम कहते हैं चलो, जनता का फैसला सर माथे पे, जो उन्होंने फैसला किया ठीक है जनता ने, लेकिन सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो भी इस बात के ऊपर किसान का ध्यान रखे। और मुझे आज आश्चर्य हुआ, अब जिला महेंद्रगढ़ के तीनों सत्ता पक्ष के विधायकों का, भाजपा के विधायकों का, कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी को मांग पत्र दिया है, जिनमें हमारे मंत्री महोदय भी शामिल हैं, हमारे नारनौल से विधायक महोदय जो मंत्री हैं। भाई, आप सरकार में मंत्री हैं और सत्ता पक्ष के विधायक हैं, तो आप किसको मांग पत्र देने से, क्या आप लोगों को क्या बेवकूफ बनाना चाहते हो? आपको तो सरकार का आदेश, सरकार तो घोषणा करे कि हमने शुरू कर दिया, आदेश कर दिया, हम बाजरा खरीदेंगे। ये आप केवल एक मांग पत्र देकर के आप क्या साबित करना चाहते हो, कि अपनी जिम्मेदारी से आप बच जाएंगे?
मुख्य रूप से ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरा आपके सामने साथियों, पूरे देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है, किस तरह से आपका लखीमपुर यूपी के अंदर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने सरेआम किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया, किस तरह से 8 व्यक्तियों का वह मृत्यु हो गई, अफसोस मतलब शर्म आनी चाहिए, और आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो लोग उनका हाल पूछने गए हैं, उनके आंसू पूछने गए किसान भाइयों के, हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा साहब, उन लोगों को आपने अरेस्ट कर रखे, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ धक्के मुक्की की हालत आ गई। अगर देश के लोकसभा के सांसद भी और इस तरह से जो है देश का परिवार जो है, या स्वतंत्र सेनानी परिवार, नेहरू जी का परिवार, इंदिरा गांधी जी का परिवार, राजीव गांधी परिवार, अगर वो लोगों के बीच जाते तो भी आपको तकलीफ है, आप वही पूछना नहीं चाहते। अफसोस शर्म की बात है कि वो जो दोषी थे वो खुले घूम रहे हैं, आजाद घूम रहे हैं, और जो हाल पूछ जाए वो अंदर बैठा रखे आपने गिरफ्तार करके। तो इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना कम है, सरकार को चाहिए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और इसका जो है आपका न्यायिक आयोग बैठा करके सिटिंग जज से, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जज से इसकी जाँच करानी चाहिए, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और इस कार्य के लिए मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार को क्षमा मांगनी चाहिए, उनकी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। किस तरह आप फेल हो गए लाइन ऑर्डर के अंदर, प्रशासन के अंदर, मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि 8 तारीख को नारनौल के लघु सचिवालय में सब लोग आए आकर के सरकार पर दबाव डालें, ताकि सरकार अपने निर्णय पर बदलें और इस इलाके की फसल को खरीदें, और आगे की रणनीति हम वहीं बैठकर डिसाइड करेंगे। जैसा किसान भाई, जैसा आने वाले भाई चाहेंगे, हम उनके साथ हैं। मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा इस बात के लिए कि भाई अगर आप प्रशासन से किसी से इस मामले में सरकार बनने की जरूरत नहीं है, सबसे आगे हम बैठे हैं। अगर गिरफ्तारी होगी तो सबसे पहले नरेंद्र सिंह गिरफ्तार होगा, सब अगर कोई लठे भी होंगे, लाठीचार्ज करेंगे, सबसे पहले हम और हमारे साथी सबसे आगे होकर के हम लोग लटकाएंगे। लेकिन ये कि लोगों की आवाज़ जरूर उठाएंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी उनका कहना है कि तब आप इतना पैसा किसान को नहीं देते थे, जिस तरह से अभी 6,000 रुपये भी किसान को भाजपा दे रही है, और जो है ये अभी 600 रुपये भावांतर भरपाई योजना के तहत दे रहे हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपकी सरकार ने तो ऐसा कभी किया नहीं। देखिए, हर सरकार की अपनी स्कीम्स होती है जी। हमने लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार बनाई कांग्रेस ने जो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है। उन्होंने गरीब का भी ध्यान रखा, एक मजदूर का भी, एक जूती गांठने वाले मोची भाई का भी, और एक ऊपर से बड़े से एक बिजनेसमैन तक का भी, मतलब उस राज में सभी खुशी थे। कभी वहाँ आपके समय के अंदर आपने देखा होगा, वहाँ कभी 1,000 रुपये का सिलेंडर नहीं गया, वहाँ कभी 100 रुपये के आसपास डीजल पेट्रोल नहीं गया, क्योंकि नीति थी कांग्रेस की। मनमोहन सिंह जी हमारे बहुत काबिल प्रधानमंत्री थे कि उसमें गरीब भी आराम से रोटी खा सके और व्यापारी भाई व्यापारी भी कर सके, और हमेशा हर बार जो भाव दिए किसान के हित को सोच कर दिया, किसान का इंटरेस्ट रखा हमने। और इलाके के अंदर विकास, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर आपके सामने हर गांव के अंदर करोड़ों रुपये विकास के हमने दिए। आपके अटेली के अंदर विकास हुआ, तनेना के अंदर हुआ, सब डिवीजन बना आपका, नारनौल के अंदर बाबा केतना जैसे मानसम के नाम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बना, और बड़े अफसोस की बात है कि 7 साल हो गए, हमने भवन बना दिया, अस्पताल बना दिया, आज तक क्लास नहीं शुरू कर पाए। आपने नारनौल के अंदर दुर्घटना होती थी, बाईपास बनाया हमने, आपको ध्यान होगा उस समय चुनाव नजदीक था, मुख्यमंत्री जी ने कहा राव साहब पैसा नहीं है, मैंने कहा जी मुझे नहीं पता बनाना पड़ेगा, तो 6 मीटर बनाएंगे, हमने 12 मीटर जमीन एक्वायर की हुई है, अब 6 मीटर बनाया तो वो सारा भी टूट गया और बाकी 6 मीटर खाली पड़े, अब बना नहीं पा। ऑयल बॉन्ड क्या है, क्योंकि जो भाव की जब हम बात करते हैं भाजपा नेताओं से, तो कहते हैं कांग्रेस ने कुछ ऑयल बॉन्ड जो है मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, वो तो वही बताएंगे जो बता रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ सिर्फ अपना अपनी कमियों को दूसरे में डालने के लिए किया गया। अभी कोई कहते हैं खड्डे बहुत हो रहे, ये तो 70 साल खड्डे हैं जी, ये तो जवाब नहीं है यार, आप 7 साल सरकार है, ये क्या मतलब हो? आपने कब कहा से पहले आप दुनिया भर का टैक्स लगा रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर, आपने खुद पत्रकार साथी है, 35 रुपये के आसपास पेट्रोल पड़ रहा है ना, कहाँ गया बॉन्ड टैक्स तो आप लगा रखे हैं। आप सोचिए क्यों क्यों टैक्स लगा रहा, कम कर दीजिए, हटा दीजिए। आप जीएसटी के लिए संघर्ष किया कि जीएसटी लाएंगे, तो जीएसटी को लाओ ना, पेट्रोल में भी ले आओ, शराब को भी ले आओ, जीएसटी क्यों हटा रखे है? क्योंकि जहाँ माल आ रहा है वहाँ तो भूल जाओ। मेरे ख्याल लगभग 15 लाख करोड़ रुपए लगभग राशि आई थी, आप पढ़ा होगा, अब तक ये लोग पेट्रोल डीजल से कम सरकार की कमाई हो चुकी है। ये कह रहे सरकार ने हमको, अरे सब कुछ नहीं कह तरफ तो सब कहने की बात है। चलिए सर, आप सोचिए, चलो जी, अच्छा धन्यवाद साहब।